लक्ष्मी जी से आदमी को बड़ा मोह होना भी चाहिए। एक बार लक्ष्मी और नारायण दोनों बैठे थे। नारायण ने पूछा कि भगवान दुनिया में हमारे पुजारी ज्यादा, हमें लोग ज्यादा मानते हैं। लक्ष्मी जी नारायण से कह रही, बड़े ध्यान से सुनना, लक्ष्मी जी आप ही की कहता चल रही, आप बतराओगी तो भर का मतलब, आप सब लक्ष्मी जी हो, लक्ष्मी जी की कथा चल रही। लक्ष्मी जी ने जो है भगवान नारायण से कहा कि पूरी दुनिया में जो है लोग हमें ज्यादा प्रेम करते हैं, हमारी ज्यादा पूजा करते हैं। नारायण ने कहा ऐसा नहीं है, हमें भी लोग चाहते हैं, हमें भी मानते हैं, हमारी बड़ी पूजा करते हैं। कहा नहीं नहीं वह आपकी पूजा करता हूं करें, लेकिन आत्मा से सच्चे हृदय से तो हमको ही मानते हैं। नारायण ने कहा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें मानने वाला आदमी तो विरक्त हो जाता है, वो तो तुम्हें जरूरत के हिसाब से मानता है, बाकी तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा एक काम करो, प्रैक्टिकल करके देख ले। कहा ठीक है प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम। भगवान विष्णु जो है पृथ्वी पे आए, एक ब्राह्मण का वेश धारण करके, एक बड़ा धार्मिक सेठ था उसके घर पहुंच गए। बहुत पुरानी बात है। बोले विष्णु भगवान की, देखो नहीं बोली मैं, यही देख ली। अब विष्णु भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और एक सेठ जो है बड़े धार्मिक थे उनके घर पहुंच गए। उनके घर जाके जो है सेठ जी से कहा कि सेठ हम जो है बनारस से पढ़ के आए हैं और बढ़िया पुराणों का वाचन करेंगे यहाँ, तुम्हें सुनाएंगे। सेठ बहुत धार्मिक नेकी और पूछ पूछ महाराज आप आ गए, सुनाओ पुराण। पुराण हुआ, अब बलुआ हो गया, पूरे गांव के लोग सेठ के घर है, घर में बैठ गए कुछ जगह। घर के लोग तो बहुएं तो घर के पीछे वाले कमरा में, भोसा वाले कमरा खाली करवा लिया था तो वहां बैठ कर कथा सुनती थी। इतनी भी बैठने को अंदर घुसने को जगह। अब भगवान विष्णु का कथा सुना रहे, भगवान विष्णु जब स्वयं कथा सुना रहे तो उस कथा में कितना माधुर्य होगा। एक महीना कथा चली और बढ़िया, एक महीना में तो जे कंडीशन का आदमी 2 बजे से कथा हो, 1:30 बजे से 1 बजे से आने लगे, का आज तो आगे बैठने का मौका मिल जाए, 1 बजे से पंडाल पूरा खचाखच भर जाए, कहीं अंदर घुसने को तक जगह ना मिले। एक महीना खूब कथा चली, माता लक्ष्मी ने सोचा कि एक महीना में तो जो है अभिन्न प्रभाव बना लिया, कोई बात ना करे, कोई किसी की सुने ना। वो 3 घंटा जब कथा होए तो गांव के सारे घर खाली हो जाए, गांव में कोई एक आदमी ना दिखाए, पूरे जो है कथा, पूरे कथा। अब जैसे ही जो है लक्ष्मी जी ने सोचा कि एक महीना हो गया, अब तो पूरा प्रभाव हो गया, अब मुझे जाना है प्रभाव दिखाने। लक्ष्मी जी जो है एक बुजुर्ग महिला का रूप धारण करके, फटी सी साड़ी पहन के, एक झोली टांग के और पहुंच गई भगवान की कथा में। और कथा में भी पहुंची तो कहां से, पिछले गेट से। अब पिछले गेट से कथा में पहुंची, बोलिए लक्ष्मी मैया की, ये देख है नहीं अंतर, यही देख ले तुम तो बनखेड़ी अंतर। अब पीछे के गेट से लक्ष्मी जी पहुंच गई, भटी सी झाड़ी एक जो है यहाँ झोली टंगी और जाके गेट खटखटाया। वो छोटी बहू बैठी थी गेट के पास और कथा में इतना मन कि एक बार धोंगने में तो जो है खोले ही नहीं, कथा में बड़ी व्यस्त थी। भगवान कथा चल रही है, बढ़िया कथा, सब लोगों की बड़ी श्रद्धा हो गई कथा में। अब जैसे ही एक बार खटखटाया तो उसने छोटी बहू ने सुना ही नहीं, दूसरी बार फिर लक्ष्मी जी ने गेट ठोका तो अब कहा यार अतिथि देवो भव, महाराज जी ने सुनाया जीव मात्र पर दया करो, पता नहीं कोई किसी मुसीबत में ना हो। गेट खोल के देखा तो फटी टूटी झाड़ी पहन के जो है एक लकड़ी देखते हुए लक्ष्मी जी आई, नरेंद्र महिला का रूप धारण कर। कहा बताओ माता क्या चाहिए। और लक्ष्मी जी कहती बेटा बड़ी प्यास लगी है, एक गिलास अगर पानी दे दे तो बड़ा आनंद जाएगा, प्यास से मेरे जो है कंठ सूख रहा है। अब वो छोटी बहू का मन तो नहीं हो रहा कि इसको पानी दूं, लेकिन सोचा कि अब जीव मात्र पर दया करने का, पंडित जी ने बताया एक महीना कथा सुनी कोई मतलब नहीं निकलेगा, ना जाने किस रूप में आ जावे नारायण, पता नहीं किस रूप में भगवान स्वयं आ जाए परीक्षा लेने के लिए, इसलिए जल्दी जल्दी गई। ध्यान पूरा कथा में, हट से गिलास भरा और लेके ले माता पानी।
लक्ष्मी जी ने कहा तेरे बर्तन में नहीं पीऊंगी। अब वो झोली में हाथ डाला, एक सोने का चमचमाता गिलास निकाला, कहा इसमें कर दे बेटा। और जैसे ही गिलास देखा, इतनी भटी टूटी झाड़ी पहने, इतनी दीनहीन बुढ़िया आई है और सोने का गिलास निकाल रही है जी, ये बड़े आश्चर्य की बात है। अब जो है कथा में से थोड़ा मन हट गया, गिलास देख के सोने का, कहा इसमें डाल दे बेटा। वो उन्होंने जल डाल दिया, लक्ष्मी जी ने जल पिया थोड़ा बहुत और गिलास फेंक दिया। अब वो छोटी बहू पूछती है कि अरे जो है ए माता, ये गिलास सोने का है? हाँ सोने का, इसको फेंक क्यों दिया? कहा हम इसको रखते नहीं है, दोबारा पानी इसमें नहीं पिएंगे, हम जिस बर्तन का एक बार उपयोग कर ले उसको फेंक देते हैं। कहा भोजन में भी यही कंडीशन? कहा हाँ जी। तो फिर बढ़िया है, तो आ जाओ भीतर कथा सुनो। अब फिर माता लक्ष्मी को बुला के बिठा लिया कमरे में कथा सुनने के लिए। अब वो छोटी बहू जो गेट खोलने को तैयार, बार बार माता राम को ले माता पानी पियो, ले माता पानी पियो। अब कथा धरी जोड़ी, माता को पानी पिलाने में बिजी हो गई। हर आधा घंटा पर ले माता पानी, हर 10 मिनट पर ले माता पानी। और लक्ष्मी जी भी खूब पानी ले, पानी पिए, गिलास फेंक दे, 10-12 गिलास हो गए। 3 घंटा की कथा में समेट समेट कर रखते गई। अब रोक लिया, माता बगैर भोजन की नहीं जा सकती, अतिथि देवो भाव। हमारे पंडित जी ने कही है, अतिथि जो है भगवान का स्वरूप होता है, आज आप आई हो, बगैर भोजन की रोटी खाए तो हम जान नहीं देंगे। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, रुक जाती हूँ, कर लूंगी भोजन। अब बहुआ ने जो है चर्चा आपस में करी कि एक बुढ़िया आई, उसके रंग रूप पर मत जाना, उसके रहन सहन पर मत जाना, वो सोने के बर्तन में ही तो खाएगी और सोने के ही गिलास में पानी पीती और फिर दूसरी बार उसको उपयोग नहीं करती। 10-12 गिलास इकट्ठे हुए। जी देख, सेठ को बताया, बेटों को बताया, सबने घस घस कर चेक करे, ओरिजिनल सोना है 24 कैरेट का। कबर बेटा रोकी होने? हाँ रुकी है, अब भोजन करके जाएंगे। अब पूरी बहुएं जो है अलग 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 भोजन की तैयारी, 17 प्रकार की सब्जी है, कबू बाबे नहीं घुमाई होंगी, ऐसी 17 प्रकार की सब्जियां बनाई, 5-6 प्रकार की पूरी रोटी ये सब बनाया, बढ़िया अच्छी। माता थाली कटोरी निकाल, माता ने 4 कटोरी निकाली, एक काम न चले वो 17 प्रकार की सब्जी खीर बनी है आज तो। अब पूरी कटोरियां भर भर कर अच्छी बढ़िया थाली लगाई, लक्ष्मी जी ने भोजन किया, भोजन किया, थाली छोड़ दी। अब वो थाली इकट्ठी कर ली, इकट्ठी करके रख ली। सेठ जी कहने लगे माता 2-4 दिन रुको, अब कथा। लक्ष्मी जी कहती कि भैया अब जो है हम तो नहीं रुकेंगे, इतनी भीड़ भाड़ तुम्हारे घर होती, इतनी भीड़ भाड़ में हमें तो भैया गैस बनती, हम ना रुके, हमारा जो है दिमाग खराब हो जाता है इतनी भीड़ में, हम कहूँ ना रुकते, वो तो आज गलती हो गई कि तुम्हारे यहाँ रोटी खा ली। तो कहा माता फिर क्या करेंगे? कहा अजय बाबा जी जो कथा सुना रहे हैं, हाँ इन्हें अगर तुम घर से भगा दो तो ये भीड़ कल से होगी नहीं, हम यहाँ खूब रुकेंगे, पूरे जीवन भर यही रुके रहेंगे, तुम्हारे ही घर खाएंगे, हमें तो खाना कहीं। और सेठ जी रात ही के पहुंचे नारायण के पास, भगवान विष्णु के पास जाके कहा कि एक काम करो महाराज, 1 महीना हो गया पुराण सुनते हुए, अब तुम आज पुराण पैक करो, कल भंसार तुम्हारी विदाई होगी। भगवान नारायण टेंशन में कि 1 महीना से ये आदमी बड़ी श्रद्धा से जो है मेरी सेवा कर रहा, 1 महीना से लगातार कथा सुन रहा, आज ये कहता है कि विदाई करो। बड़े टेंशन में भगवान भी, भगवान ने ध्यान लगा कर देखा, अरे ठीक 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 ठीक, लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी जी आई, जैसे ही इसका भाव बदल गया। अब जो है सुबह ही उठ के भगवान नारायण की विदाई हुई। अब विदाई करने पूरे घर भर, लक्ष्मी जी ने कह दिया कि भैया सब जाना, वो महाराज को मैं जानती हूँ, वो लौट के आ जाता है। और लौट के क्यों आएगा? कहा वो फला बहू से हम नहीं मिल पाए, 1 महीना कथा सुनाई, उससे पांव तो बड़वा ले आशीर्वाद दे, इसलिए पूरी बहू है, पूरे मोड़ा, पूरी मोड़ी है, सब जाओ विदाई करने। और सब विदाई करने के लिए नारायण को पहुंचे,
और एक रास्ते से जो है नारायण की विदाई करने गए। लक्ष्मी जी ने जितने गिलास कटोरा कटोरी खाए थे बर्तन उतने सबकी पोटली बनाई अपनी थैली में रखी और जो है पीछे के दरवाजे से निकल गए और दूसरी रास्ता से जो है जाके चौराहे पे नारायण के पहले खड़ी हो गई और मुस्कुरा रहे। अब भगवान पहुंचे पुराण हाथ में रखे भगवान से कहते हैं क्यों भगवान एक महीना बड़ी मेहनत करी तुमने हम एक ही दिन गए जे में सत्यानाश करके आ गया लौट के बहुएं आई देखा तो कहा लक्ष्मी जी चली गई। जो नारायण की सेवा करता है नारायण के चरणों से जुड़ा रहता है उसके घर में स्थिर लक्ष्मी निवास करती है। कैसी लक्ष्मी निवास करती है स्थिर लक्ष्मी निवास करती है। और बगैर नारायण के अगर लक्ष्मी लक्ष्मी की सेवा करी तो कब कहूं पीछे के गेट से जो है जो तुम्हारे पास है बाकी और पुटरिया बांध के और निकल जाएगी। अगर लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो नारायण की सेवा करो लक्ष्मी जो है स्वतः तुम्हारे यहाँ आकर के झाड़ू लगाएगी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की। बड़ी जो है लक्ष्मी की साधना सभी लोग करते हैं लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा करने से लक्ष्मी नारायण दोनों प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर के अभिषेकों का वर्णन अन्य अन्य स्थितियों में अन्य अन्य वस्तुओं से अभिषेक करने का बड़ा महत्व बताया। शिव पुराण में कई वस्तुओं को चढ़ाने से जिसको जघन्य रोग होते हैं जिसको हाई ब्लड प्रेशर होता है अगर वो भगवान शंकर को रुद्राक्ष चढ़ा कर रुद्राक्ष जो है भगवान शिव का ही स्वरूप है वो जो है रुद्राक्ष भगवान से ही उत्पन्न हुआ भगवान शंकर की कृपा से ही उत्पन्न हुआ भगवान के अश्रुओं से उत्पन्न हुआ। भगवान शंकर जो है उसके ऊपर हमेशा सदा सर्वदा एक त्रिपुरासुर नाम का दैत्य हुआ। त्रिपुरासुर ने जो है बड़ा आतंक किया तीन अलग अलग राक्षस थे उनके पास तीन पुर थे एक के पास सोने का एक के पास चांदी का एक के पास लोहे का। उन तीनों पुरों को भगवान शंकर ने नष्ट किया और जब नष्ट किया उन तीनों पुरों को जला करके भस्म किया तो उनमें बड़ी जो है ज्वाला निकली बड़ी आग निकली बड़े भयावह थे वो त्रिपुरासुर। अब जब उनका वध किया उनका तीनों पुरों को जब नष्ट किया भगवान शंकर ने तो वो जो ज्वाला थी उन तीनों पुरों को जलने की वो बड़ी ज्वलंत थी बड़ी भयावह थी। उस तेज अग्नि के कारण भगवान शंकर की आंखों से आंसू निकले उन आंसुओं से जो है रुद्राक्ष प्रकट हुआ। उस रुद्राक्ष को जो है व्यक्ति भगवान शंकर की पूजा में रखकर रुद्राक्ष गले में धारण करे तो कभी ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो सकता ब्लड प्रेशर कभी बढ़ेगा नहीं। और किसी को अगर बड़े बड़े रोग हैं गैस से संबंधित पेट से संबंधित उदर से संबंधित समस्याएं होती तो एक बड़ा रुद्राक्ष लेके आना उसको रात में तांबे के लोटे में जल भरना और उस रुद्राक्ष को उसमें डाल देना तांबे के लोटे में कितने ही बड़े से बड़ा उदर का रोग हो पेट का रोग ये गैस मैस तो छोटी मोटी समस्या है रात में तांबे के लोटे में जल भर के रखना उसमें रुद्राक्ष डाल देना रात भर पड़ा रहेगा सुबह आप उठेंगे उस रुद्राक्ष के जल को पी लेना उधर की कितनी भी जघन्य से जघन्य पेट से संबंधित कितनी भी बड़ी समस्या हो उसको ठीक होना पड़ेगा और 21 दिन में आपको आराम लगना शुरू हो जाएगा। बड़ा रोग होगा तो 60 दिन में पूरा ठीक हो जाएगा। रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है रुद्राक्ष बड़ा पावरफुल जे नहीं का प्लास्टिक को गाड़ो गारा से 10 रुपया को ले आओ और मिटो नहीं महाराज पेट ऐसा मत करना भाई ओरिजिनल रुद्राक्ष लेके आना ओरिजिनल रुद्राक्ष की पहचान बताए दिए देते हैं। प्लास्टिक का होगा तो पानी में ऊपर तैरेगा और अगर ओरिजिनल रुद्राक्ष है तो पानी में डालोगे तो वो डूब जाएगा। रुद्राक्ष की ये सबसे बड़ी पहचान ओरिजिनल रुद्राक्ष की सबसे बड़ी पहचान यही है इसको आप जल में जैसे ही डालोगे माला हो चाहे एक सिंगल रुद्राक्ष हो जल में जैसे ही डालोगे तो वो जल में नीचे बैठ जाएगा और लकड़ी का होगा या प्लास्टिक का होगा या आर्टिफिशियल होगा तो वो जल में ऊपर तैरते रहेगा समझ जाना ये नकली
डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है तो वो जल में नीचे डूब जाए, वो ओरिजिनल रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष की बड़ी महिमा का शिव पुराण में वर्णन है, जो भगवान शंकर को रुद्राक्ष का जल चढ़ाता, रुद्राक्ष जल में डाल करके, जो रुद्राक्ष का जल भगवान शंकर को ओम नमः शिवाय महामंत्र बोलते हुए अभिषेक करता है, उसके पितर संतुष्ट हो जाते हैं, उसके घर में जो है धन धान्य की वृद्धि होती है,